कल की 2898 एडी ने बॉक्स ऑफिस पर भले ही झंडे गाड़े हो, लेकिन कुछ लोग अब भी इससे खुश नहीं है। स्पेशली महाभारत और कर्ण की वापसी को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। ओवर से कुछ लोग अब भी इस बात पर झगड़ रहे हैं कि प्रभास का कैरेक्टर आखिर है क्या, भैरवा, कल्कि या फिर कर्णा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और कुछ ज्ञानी लोग इस चीज से भी नाराज हैं कि नायक अश्विन ने ये कैसे दिखा दिया कि कर्ण अर्जुन से महान योद्धा है और अर्जुन उससे जेलस है। इनकी इधर अपनी अलग ही महाभारत चल रही है, इसलिए आज की पूरी वीडियो सिर्फ इन्हीं चीजों को क्लियर करेगी। हम जानेंगे कि प्रभास आखिर किस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, अर्जुन और कर्ण में कौन ज्यादा पावरफुल था और क्या नाग अश्विन का कर्ण को वापस लाना गलत है। सबसे पहले तो यही क्लियर करते हैं कि प्रभास के रोल को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है, जबकि मूवी के लास्ट में सबने सब कुछ क्लियरली देखा है, लेकिन फिर भी ऐसा कहने के कुछ खास रीजन है। पहला तो मूवी के स्टार्टिंग से ही प्रभास को एज अ भैरवा बिल्ड किया गया। इस बूढ़े आदमी का डॉग पर बैठे काल भैरव की मूर्ति से हमें ये याद दिलाना कि एक समय पर काशी की रक्षा काल भैरव किया करते थे। वही भैरवा को देखकर इस बूढ़े को याद आ जाता है कि ये काल भैरव की मूर्ति है, और वो भैरवा से कहता भी है कि अब काल भैरव की जगह भैरवा को ही काशी की रक्षा करनी पड़ेगी। ये एकदम क्लियर हिंट था कि भैरवा ही काल भैरव है। उसके बाद इस सीन में भैरवा का दी ग्रेट भैरवा कहते हैं बिजली गिरना और इस बूढ़े आदमी का ये कहना कि काशी में भगवान लौट आए हैं, ये चीज भी भैरवा ही काल भैरव था ये हिंट करती थी। वही पर अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो फिल्म में उसे डिस्ट्रॉयर की तरह दिखाया गया है, जो कि अगेन शिव भगवान का हिंट है, लेकिन उसके उल्टा मूवी का क्लाइमैक्स ये क्लियर करता है कि ये टोटली मिसडायरेक्शन था, ताकि हम मूवी के लास्ट तक भैरवा को शिव का अवतार समझे और फिर अचानक से हमें लास्ट में झटका लगे, जो कि अच्छे से वर्क भी किया। इसी की वजह से मूवी का फर्स्ट हाफ स्लो होते हुए भी मूवी का क्लाइमैक्स ही उसे इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बनाता है। अब दूसरा रीजन जिसकी वजह से भैरवा को कल्कि समझा जा रहा है, वो है इंडियन ऑडियंस का स्टार पावर पर बिलीव। मैं ये अपनी पिछली वीडियो में भी कह चुका हूँ कि हमें फिल्म कंटेंट की वजह से नहीं बल्कि स्टार्स की वजह से देखना पसंद है, और इसीलिए लोग ये बिल्कुल भी मानने को तैयार ही नहीं है कि प्रभास जैसे स्टार को नाग अश्विन ने एक साइड कैरेक्टर के तौर पर फिल्म में लिया है। और क्लाइमैक्स में सब कुछ क्लियरली दिखाने के बाद अब भी मेरे कुछ यूट्यूबर भाई ये साबित करने में लगे हुए हैं कि भैरवा ही कल्कि है, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि बात अब उनके युगो पर आ गई है। पर हाँ, मैं चीजों को अनदेखा भी नहीं कर रहा हूँ। इस क्लिप का ये सीन मूवी में नहीं है, और जिस तरह से मूवी में दिखाया गया है कि भैरवा का विजय धनुष को छूते ही वो कर्ण बन जाता है, तो क्लियरली मूवी में भैरवा के कैरेक्टर को लेकर बाद में बदलाव हुए हैं, क्योंकि अगर वो कर्ण होता तो इसी सीन में उसके विजय धनुष को छूते ही वो कर्ण बन जाता, यानी कि डेफिनेटली यहाँ से कहानी में चेंजेस हुए हैं। पर इसका ये भी मतलब नहीं है कि भैरवा कल्कि था, क्योंकि भैरवा आगे चल के कल्कि बनेगा उसका एक भी क्लियर हिंट मूवी में नहीं दिखाया गया है, जबकि वो काल भैरव है। इसके तुम्हें हजारों हिंट मिल जाएंगे। तो आई थिंक कि भैरवा पहले काल भैरव होने वाला था, पर बाद में उसे कर्ण बना दिया। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें प्लॉट में ज्यादा चेंज नहीं किया गया है, क्योंकि वो कर्ण हो या फिर भैरवा, उसका काम सिर्फ यास्किन से कल्कि को बचाना है। हाँ, लेकिन नागार्जुन ने अचानक से ये बदलाव क्यों किया, इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें थोड़ी ही देर में दूंगा। फिलहाल हम ट्रेंडिंग सवाल पर आते हैं कि अगर भैरवा ही कर्ण था तो पूरे फिल्म में अश्वत्थामा ने उसे क्यों नहीं पहचाना। इसका बड़ा ही सिंपल जवाब है, अश्वत्थामा 6000 सालों पहले कर्ण से मिले थे, और आज अगर तुम भैरवा को देखोगे तो वो कर्ण से काफी अलग गेटअप में है, और उसका नेचर भी उससे काफी अलग है। और वैसे भी लॉजिकली देखोगे तो 6000 साल बहुत होते हैं किसी भी चेहरे को भूलने के लिए। हाँ, उन्हें महाभारत की बहुत सी चीजें याद है, पर वो बस किस्से हैं, ड्रामा की तरह है, उनके साथ हुए खतरनाक हादसे हैं, मतलब उन्हें अपने साथ हुए कुछ किस्से याद है, वो भी खतरनाक वाले, जैसे उनका उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाना और कृष्णा का उन्हें श्राप देना, या फिर अर्जुन से हारना और कर्ण को उन्हें बचाना, या फिर उनके पिता की मौत। लेकिन 6000 सालों तक किसी भी पैसिफिक चेहरे को याद रखना बहुत मुश्किल होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्हें धुंधला सा याद भी होगा तो भी भैरवा के अलग गेटअप से और उनके मुक्ति के मार्ग कल्कि के मिलने से उन्होंने इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया होगा। उनका पूरा ध्यान सुमति को बचाने में लगा था, लेकिन जब लास्ट में उन्होंने उसे विजय धनुष को यूज करते हुए देखा तो अचानक से उन्हें सब याद आ गया। वो होता है ना याददाश्त वाली चीज, कि अगर हम किसी पुरानी चीज को अचानक होते हुए देख ले तो हमारी याददाश्त वापिस आ जाती है। फिल्मों में तो ऐसा अक्सर होता है।
खैर अगर तुम गौर से इस सीन को देखोगे तो इस बार भी अश्वत्थामा की आंखों में वो मित्र के लौटने का भाव साफ दिख रहा है जैसा सुमति के मिलने पर दिखा था। यानी भैरवा कर्ण ही है और अश्वत्थामा से कोई गलती नहीं हुई है। अच्छा वैसे तो डायरेक्टर ने पहले ही कहा था कि ये मूवी महाभारत का सीक्वल है, तो महाभारत के कुछ कैरेक्टर तो मूवी में हमें दिखेंगे, हम ये जानते थे, पर कर्ण ही क्यों? मतलब महाभारत में और भी कई योद्धा थे जो कली से कल्कि की रक्षा आसानी से कर सकते थे और कर्ण तो गलत साइड से था ना, तो फिर उसे सही दिखाने का क्या मतलब बनता है? चलो उसके लिए कर्ण के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो कुंती को कुवारे पन में ही महर्षि दुर्वासा ने एक वरदान दिया था जिसमें कुंती किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और उन देवताओं से संतान प्राप्त कर सकती थी। ये वरदान सच है या फिर मिथ्या, ये जानने के लिए कुंती ने सूर्य देव का आह्वान कर उनसे उनके ही समान एक तेजस्वी पुत्र की मांग की थी और फिर कर्ण का जन्म होता है। कुंती सिर्फ 14 साल की अविवाहित औरत थी और अविवाहित लड़की को बच्चा कैसे हुआ इसके बारे में समाज क्या सोचेगा, इस बारे में सोचकर उसने कर्ण को एक डिब्बे में डालकर नदी में छोड़ दिया, जिसके बाद वो धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ को मिला। बड़ा होने के बाद जब कर्ण ने धनुर्धर बनना चाहा, जिसके लिए वो गुरु द्रोण के पास शिक्षा हासिल करने के लिए गया, तब गुरु द्रोण ने उसे सूर पुत्र कहकर अस्वीकार कर दिया। उसके बाद वो परशुराम के पास चला गया। कर्ण जब धुरंधर बनकर वापिस आया तब भी उसे सभी ने हमेशा ही नीच जाति का कहकर अपमानित किया, जिसमें पांडव, पांचाली, भीष्म पितामह और बहुत सारे और भी कैरेक्टर शामिल थे जिन्होंने बारी बारी कर्ण का अपमान किया था। सिर्फ दुर्योधन ही था जिसने उसे अपना दोस्त बना के अंग प्रदेश का राजा बनाया था, जिसके बाद कर्ण को वो सम्मान मिला जिसका वो हकदार था। अब ऐसे में तुम ही सोच के देखो कर्ण युद्ध में दुर्योधन का साथ कैसे छोड़ता। युद्ध के ठीक पहले ही कर्ण ये जान चुका था कि पांडव उसके भाई है और कुंती उसकी माता, पर फिर भी वो दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता था और इसीलिए कर्ण बुरा नहीं था, बस मजबूर था, वो चाहकर भी पांडवों की तरफ से नहीं लड़ सकता था। अब चलो इस चीज को भी क्लियर कर देते हैं कि क्या नाग अश्विन ने जो मूवी में दिखाया है वो गलत है और क्या कर्ण अर्जुन से श्रेष्ठ नहीं था। तुम्हें पता है महाभारत में ऐसे सिर्फ 3 योद्धा थे जो आसानी से कौरवों को जीत दिला सकते थे, पहले तो भीष्म पितामह, दूसरे गुरु द्रोण और तीसरे कर्ण। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन तीनों ने ही परशुराम से धनुर्विद्या प्राप्त की थी और इन तीनों जैसा धनुर्धर पूरे आर्यवर्ष में कोई नहीं था और इसलिए इन तीनों को ही छल से मारा गया था। अब तुम खुद सोचो, जिस गुरु द्रोण ने अर्जुन को सब सिखाया था उनके गुरु से ही कर्ण ने सब सीखा था और सिर्फ इसी चीज से तुम कर्ण और अर्जुन का आसानी से कंपैरिजन कर सकते हो। इस तरह से देखोगे तो कर्ण भीष्म और द्रोण के बराबर था, ऊपर से उसे परशुराम ने विजय धनुष दिया था। विजय धनुष विशेष रूप से विश्वकर्मा द्वारा भगवान शिव के लिए तारकासुर के पुत्र द्वारा निर्मित त्रिपुरा शहर को नष्ट करने के लिए बनाया गया था। शिव ने विजय से पशुपतास्त्र चलाकर त्रिपुरा को नष्ट कर दिया था। चलो अर्जुन का धनुष गांडीव भी काफी पावरफुल था, लेकिन उसके अलावा कर्ण का जो कवच था, कहते हैं उसे महाभारत का सबसे पावरफुल हथियार सुदर्शन चक्र भी भेद नहीं सकता था। यानी अगर कर्ण के पास वो होता तो अर्जुन उसे छल कर भी मार नहीं पाता। और ये सब छोड़ दो, कर्ण अर्जुन से पावरफुल है इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि अर्जुन ने उसे तब मारा जब वो बिना शस्त्र के अपने रथ का फंसा पहिया निकाल रहा था, और वो भी ये सब उसने श्री कृष्ण के कहने पर किया क्योंकि कृष्ण जानते थे कि अर्जुन कभी भी कर्ण को हरा नहीं सकता। सोचो जिस योद्धा के भय से अर्जुन के पिता ने उससे छल करके अपने कवच कुंडल दान में मांग लिए थे और उसके गुरु के दिए शराब के कारण वो अपनी विद्या भूल चुका था, फिर भी अर्जुन को उसे छल से मारना पड़ रहा हो, तो इससे ज्यादा क्या प्रमाण चाहिए। ये चीज साबित करती है कि भले ही कर्ण के पास अपने कवच कुंडल नहीं थे तब भी वो अर्जुन को हरा सकता था, ठीक वैसे जैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। अगर तुम्हें अब भी लगता है कि अर्जुन कर्ण से श्रेष्ठ या फिर महान है, तो श्री कृष्ण ने कर्ण के पीठ पर बाण चलाकर अर्जुन को उसे मारने को क्यों कहा, इसका जवाब मुझे कमेंट में दो। और हाँ, मूवी में जो अर्जुन और कर्ण का युद्ध दिखाया गया है वो बस अश्वत्थामा को याद आए कुछ पल है, जिसमें हमें देखने से ऐसा लग रहा है कि अर्जुन कर्ण से जेलस होकर कृष्ण से ये पूछ रहा है कि क्या वो मुझसे श्रेष्ठ है, जबकि एक्चुअली में पूरा सीन कुछ ऐसा है कि जब अर्जुन और कर्ण का वॉर शुरू होता है तो हर एक तीर पर कृष्ण कर्ण की तारीफ करते हैं। एक तरह से कहूँ तो वो उसकी पावर्स के बारे में ही अर्जुन को बता रहे होते हैं ताकि उसकी मदद हो सके, पर जब अर्जुन इतनी बार अपने शत्रु की तारीफ सुनता है तब ये सवाल पूछते हैं कि जब मैं तीर चला रहा हूँ तो उसका रथ 10 फीट पीछे जा रहा है और जब वो तीर चला रहा है तो मैं सिर्फ 2 कदम पीछे जा रहा हूँ, ऐसे में वो श्रेष्ठ कैसे हुआ। और उसके बाद वो एक्सप्लेनेशन कृष्ण देते हैं जो कि हमें मूवी में दिखाया गया है, पर पूरी कन्वर्सेशन इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि अश्वत्थामा जैसे ही कर्ण को इस सीन में अपना विजय धनुष चलाते हुए देख लेता है तो उसे कर्ण के महानता की चीजें ही याद आती है और सच कहूं तो मूवी में जगह भी नहीं थी, वरना भले ही कर्ण अर्जुन दोनों एक दूसरे के साथ लड़कर जीतने के लिए बेताब
नाम थे, पर वो दोनों एक दूसरे की पावर्स को अच्छे से जानते थे। और क्योंकि वो जानते थे कि वो दोनों ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से कभी भी जलते नहीं थे। बल्कि वो कहते हैं ना कि जब सामने तगड़ा अपोनेंट खड़ा हो तभी लड़ाई का मजा आता है। बस इन दोनों की यही सिचुएशन थी। वैसे मैं तुम्हें यह भी क्लियर कर दूं कि कर्ण के कलयुग में पुनर्जन्म लेकर वापस आने की कोई भी भविष्यवाणी या फिर कहीं भी लिखा गया नहीं है। यह डायरेक्टर नाग अश्विन ने बहुत ही बड़ी क्रिएटिव लिबर्टी ली है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये सही है? तो देखो यार, सबसे पहले तो ये बस एक फिल्म है जिसकी शुरुआत में ही हमें ये डिस्क्लेमर दिया गया था कि इसमें दिखाई जाने वाली सारी चीजें और ये पूरी फिल्म पूरी तरह से फिक्शन पर बेस्ड है। तो मुझे लगता है इसमें सीरियस होने की कोई बात नहीं है। और जिनको भी कर्ण से लगाव है उनके लिए तो ये अच्छी बात है कि नाग अश्विन कर्ण को भले ही फिक्शन में ही पर रिडेम्पशन देना तो चाहते हैं, जहां महाभारत में वो एक महान दानी और शूरवीर होकर भी हमेशा उनके साथ गलत चीजें हुई और उसी के चलते वो सही का साथ नहीं दे पाए, तो इस बार सही का साथ देकर अपना रिडेम्पशन आर्क पूरा कर लेंगे। तो इसमें गलत क्या है भाई? फाइनली ये सवाल कि क्या कर्ण आगे जाकर मरेगा, तो फिलहाल तो इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पर जिस तरह से अश्वत्थामा राय से कहता है कि उन जैसे योद्धा का अंत इस तरह से नहीं होना चाहिए था, उसे सुनकर तो मुझे यही लगता है कि मेकर्स कर्ण को एक प्रॉपर एंडिंग देने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर उसको ऑलरेडी एक प्लान बना चुके हैं जहां प्रभास के कैरेक्टर की डेथ मूवी या फिर इनके सिनेमैटिक यूनिवर्स की हाइप को दोगुना कर देगी, जैसे कि बाहुबली में हुआ था। कि अब तुम्हारे भरवा एके कर्ण को लेकर सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक तुम चाहो तो मेरी ये ऊपर आने वाली वीडियो देख सकते हो।